पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ आज पुराना मर्दाना अस्पताल टाउन हॉल मुरादाबाद से जिलाधिकारी राकेश कुमार ने झंडी दिखाकर किया तथा संचारी रोग के रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जागरूकता रैली के माध्यम से नगरवासियों को ये संदेश दिया गया कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानी बुखार एवं फाइलेरिया जैसे घातक रोगों से थोड़ा सावधानी बरतने पर बचा जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीता अग्निहोत्री ने कहा कि नालियों में जल भराव रोकें तथा उनकी नियमित सफाई करें, जानवरों के बालों को दूर रखें, जंगली झाड़ियों की नियमित सफाई करें, चूहा छुछुंदर से बचें, पीने के लिए इंडिया मार्का 2 का प्रयोग करें, खाने से पहले और सोच के बाद साबुन से अवश्य हाथ धोएं, कुपोषित बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल संचारी रोग डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी ने कहा कि दरवाजों को खिड़कियों पर जाली लगवाएं, नियमित मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोगियों उपाय अपनाएं, घर और कार्यालय के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर गमले की साप्ताहिक सफाई कर सूखा लें और उसमें मिट्टी डालकर भर दें। जागरूकता रैली का समापन संयुक्त जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में किया गया। इस अवसर पर रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जलपान वितरित किया गया। इस अवसर पर एडी हेल्थ डॉक्टर सत्य सिंह, ACMO डॉक्टर ब्रह्म सिंह, मोहम्मद जावेद, DPC मलेरिया इंस्पेक्टर बुकुल कुमार, शेखर कुमार, शरद पाल, फरीद हैदर, संजीव कुमार, भास्कर आर, डॉक्टर नितिन यादव, डॉक्टर जगवीर सिंह, अनुराग वर्मा, रुद्राक्ष सिंह, राजीव कुमार आदि ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। क्योंकि संचारी रोग आप देखते हैं कि कई बार बहुत जानलेवा होता है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, उसी को ख़त्म करने के लिए जापान जन कफलाइटिस है, जैसे गोरखपुर एरिया बस्ती में काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है, सरकार ने उसको ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया है कि अन्य 11 विभाग भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जैसे कृषि विभाग है हमारा, वेटनरी विभाग है, ICDS है आपका, DPRO विभाग है, एजुकेशन है, सब विभाग मिल के हम तो एक साथ काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमें आसपास से, अब शहर से, गांव से मच्छरों ख़त्म करना है, मच्छरों कम करना है, एंटी लार्वा स्प्रे करना है, यहाँ पानी भरा है पानी को ख़त्म करना है, जहाँ गंदगी है उसको साफ़ करना है, गंदगी नहीं रहनी, क्योंकि मच्छर वहीं पैदा होता है जहाँ पानी हो या गंदगी हो। अगर मच्छर नहीं होगा तो डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, चिकनगुनिया नहीं होगा, जापानी इनकेफ्लाइटिस नहीं होगा, जिससे जो इस बीमारी से डेथ होती हैं, काफ़ी डेथ होती हैं इन बीमार संचारी रोग से, उनको ख़त्म करना है। इसका उद्देश्य है जन जागृति पैदा करना रैली के उद्देश्य से। मैं पूरे अपने जितना स्वास्थ्य विभाग का परिवार है सबका मैं धन्यवाद करूंगा, जो अन्य विभाग जैसे कृषि विभाग के आए हैं उनका भी धन्यवाद, पशुपालन वालों को करूँगा, जो जिनका स्पेशली जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि जो आया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई, साथ साथ झंडी देकर रवाना किया गया। ये कब तक अभियान चलेगा? ये 10 से 28 तक चलेगा, डेली कार्यक्रम चलेगा, सफाई का भी चलेगा और उसको रोज लोड किया जाएगा जो हम सरकार को रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या अपील करना चाहिए? तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आसपास पानी ना भरने दें, गंदगी ना होने दें, सफाई रखें, स्वास्थ्य और ODF हो गया है, खुले में शौच ना करें, शौचालय का इस्तेमाल करें, जो पानी ना भरने दें, सफाई रखें। कितने लोगों को लाभ मिला है इस सुविधा का? देखिए ये जन जागृति अभियान है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि इस अभियान का लाभ वास्तव मिला है। अगर हम गोरखपुर मंडल या बस्ती मंडल की रिपोर्ट उठाएं तो आपने देखा होगा कि हर साल काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है JEE से, लेकिन दस्तक अभियान या जो ये कार्यक्रम चला उससे घर घर जाके लोगों अभियान शुरू किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ कम होगी। और साथ साथ मैं मुरादाबाद के बारे में बता दूँ, मुरादाबाद में भी डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया का काफ़ी प्रकोप कम हुआ है, जबकि अगर आप आसपास के ज़िलों की बात करें, बरेली की बात करें या और ज़िलों की बात करें, वहाँ पर काफ़ी मलेरिया हुआ, जिसकी